ठुकराओगे तो प्यारे, जो आप ठुकराओगे तो प्यारे, हम और कहां फिर जाएंगे, छान कर खाक जमाने भर की फिर लौट यहीं पर आए। जो आप ठुकराओगे तो प्यारे, हम और कहां फिर जाएंगे, छान कर खाक जमाने भर की फिर लौट यहीं पर आएंगे। क्यों लौट आएंगे? क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है जो इस भव सागर से पार कर दे मेरी दुनिया। तो क्या कहना है? ऊपर से हरियाणा की, तो बात कुछ अच्छी नहीं। थोड़ा मिलकर प्रेम से विश्वास के साथ में, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में। क्या बात! उधर से आई थी तो थोड़ा तो कम से कम, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। और बाबा और कुछ नहीं चाहता, बस इतनी सी अर्जी है। क्या है? हो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे, वो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। कि मैं जहां भी जाऊं मेरी पहचान अपने नाम से ना हो, लोग मुझे देखकर कहे देखो बाबा का प्रेमी जा रहा है, वो ठाकुर जी का प्रेमी जा रहा है। बस पहचान मुझे इतनी सी चाहिए, और यकीन मानिएगा इस पहचान में जन्म गुजर जाते हैं। मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया इनके होने के लिए। तो आइए मिलकर झूम कर ताली सेवा के साथ, और अभी पता है ना आपको कैसे नाचे थे, वो वैसे ही नाचना, ठीक है? आइए। हो जो भी देखे, हो जो भी देखे, हो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, हो जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, हो मेरे चरणों में तेरा ठिकाना रहे, ओ तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे ओ जो भी देखे, ओ जो
बस इसका शुक्रिया अदा करना है जो उसने दिया हुआ है ना, इतना जो औकात से ज्यादा हमें मिला है, बस उसके लिए एक शुक्रिया। पिताजी ऐसे ही खिलाते होंगे, इंतजार करने लगी बैठकर कि तुम जब तक न आकर खाओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। सोचने लगी कारण क्या है, इतनी देर से आए क्यों नहीं। भोली नादान सोचने लगी शायद पर्दा नहीं है, ये पर्दा करके खाने की इनकी आदत है, पर्दे के पीछे हो सकता है पर्दा आज नहीं लगाया इसीलिए नहीं आ रहे हैं। पर्दा भाग्यवश धोने को रख दिया, पर्दा नहीं था। अब जब नादान थी और निस्वार्थ प्रेम करती थी तो क्या किया सुनिए। कहने लगी तुम्हें पर्दा चाहिए ना, पर्दे में खाओगे ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है पर तुम्हें आना पड़ेगा।
सदा कर बोली जीमो श्याम बिहारी। कहने का पर का कर बोली जीमो श्याम बिहारी। लहने का पर्दा कर बोली जीमो श्याम बिहारी। भाव के वश काहे का पर्दा भूल गए बनवारी। भाव के वश काहे का पर्दा भूल गए बनवारी। और फिर क्या हुआ झटपट दोनों हाथ खींचड़ा। झटपट दोनों कोई भी मेहमान आके बैठता है आप उसको मोमेंटो देखकर इधर से विदा कर देते हैं, इसीलिए प्रेमी बैठ नहीं पा रहे। थोड़ा थोड़ा सब्र रखें। ये कितने दिन से चल रहा है आपका कार्यक्रम जो है? 4 दिन से। तो भैया मुझसे कोई दुश्मनी है? अब जब 4 दिन चला लिया तो आज 1 दिन और सही। थोड़ा इन्हें बैठने दीजिए, भजन सुनने दीजिए। नहीं, समय ज्यादा नहीं हुआ है। और सही बताऊं तो वो जितनी देर बैठेंगे उनके उनका भला है, इसमें और किसी का नुकसान नहीं है। क्योंकि आप कभी बैंक में गए तो ऐसा हुआ कि पैसे गलती से मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए? नहीं हुआ ना, और होगा भी नहीं। तो ये ना सोचे कि मेरा पड़ोसी गा रहा है, ये और जो बैठे हैं ये गा रहे हैं, मैं नहीं गाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये जो आप गाते हैं ना, जो कीर्तन में हरि नाम गुणगान करते हैं, ये आपके ऊपर के अकाउंट में जमा होता है। और ये नाम आपके उस समय काम आता है जब दुनिया में कोई काम नहीं आता। और दुखों में तो इन्हें सभी याद करते हैं, पर जो सुख में याद करे वो इनका प्रेमी होता है। भाई मिलकर मेरे साथ दोनों हाथ की ताली सेवा के साथ में करते थे कि अगर नहीं मिला
खैर उन्हें कोई लेने की कोई चाह भी नहीं थी, उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया, पर आंसू बहाते रहे चुपचाप ठाकुर जी की विरह में। मैं वो प्रेमी नहीं हूँ, कलयुग का प्रेमी हूँ, ऊपर से हरियाणा का और हूँ। सीधी बात, हार में नैया डोले रही, इसे पल्ली पार लगानी पड़ेगी। जाने कितने अनाथ सनाथ तुम्हें बिगड़ी बात बनानी पड़ेगी, दिलदार पुकार सुनोगे पहुंच रही है, मिलकर गाएं। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे